एक बार लोगों ने क्या हरा दिया, कैथल की जनता को श्राप देता है, कैथल के लोग उसके लिए राक्षस हो गए, सुरजेवाला जी देवता है, उनके कुकृत्य लोग देख नहीं रहे। सीडी के माध्यम से भी कि सुरजेवाला जी अगर आप चुनाव जीतते हैं तो कौन सी सीट से रिजाइन देंगे, आप नहीं पता होगा, भाई ने एक मिनट लाइव लगा कैथल वाली छोड़ दूंगा। मेरे से भी बड़ी जीत मेरे बड़े भाई लीला राम जी की कैथल से होने वाली है। सिर्फ खोखली घोषणाएं हैं, उनमें कोई भी तथ्य नहीं है, क्योंकि उन्हें वो जानते हैं ना उनकी सरकार बननी ना वो इन बातों को पूरा कर सकते हैं, और कोई बात होगी तो वो फिर केंद्र सरकार के ऊपर उसको जो है उसको डाल देंगे। आज यहाँ पर कैथल में पूरे ब्राह्मण समाज ने भारतीय जनता पार्टी को हमारे यहाँ से प्रत्याशी और माननीय विधायक लीला राम जी को अपना समर्थन दिया है, इसलिए हजारों की संख्या में आज आकर ब्राह्मण समाज के बुजुर्गों ने नौजवानों ने आके अपना आशीर्वाद दिया है, जिसके लिए हम सभी उनके बहुत आभारी हैं। इससे हमें बहुत बल मिलेगा और इनके आशीर्वाद से अब ये सुनिश्चित हो जाएगा कि यहाँ से लीला राम जी भारी बहुमत से जीतेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि लीला राम जी को बहुत अनुभव है इनको पूरे क्षेत्र का, और ये यहाँ से बहुत लोकप्रिय हैं, तो जब सरकार बनेगी तो उसके अंदर इनका ये बहुत वरिष्ठ भी हैं, अनुभवी हैं, तो इसलिए निश्चय ही हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये मंत्री बनेंगे, और ख़ास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी इनको बड़ा भाई मानते हैं, इनकी बहुत इज्जत करते हैं, हर चीज़ के अंदर इनकी राय लेते हैं, तो ये जब उनके कैबिनेट में होंगे तो उससे ये पूरे हरियाणा के अंदर काम कर सकेंगे। नवीन जी, आप ये बात किस आधार पे कह रहे हो कि 24,000 से ज़्यादा से लीला राम की यहाँ से जीत होगी? देखिए, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि यहाँ से मैं खुद जो है करीब 17,000 वोटों से मैं यहाँ से अठारह हज़ार वोटों से यहाँ से मैं जीता था कैथल से, और अब जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, पहले से कहीं अधिक समर्थन मिल रहा है लोगों का, उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे से भी बड़ी जीत मेरे बड़े भाई लीला राम जी की कैथल से होने वाली है। देखिए, जो कोई इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाकी पार्टियों ने जो घोषणाएं करी हैं वो सिर्फ खोखली घोषणाएं हैं, उनमें कोई भी तथ्य नहीं है, क्योंकि उन्हें वो जानते हैं ना उनकी सरकार बननी ना वो इन बातों को पूरा कर सकते हैं, और कोई बात होगी तो वो फिर केंद्र सरकार के ऊपर उसको जो है उसको डाल देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो भी घोषणाएं की हैं बहुत सोच समझ करके घोषणाएं की हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्र में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की आज राज्य में भी सरकार थी, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके और ज़िम्मेदारी से जो घोषणाएं की हैं ज़िम्मेदारी से की हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी निभा सकती है और निभाएगी। देखिए, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, जब लोग वोट देने जाते हैं तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से जा कर के बटन दबाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि कैथल की बहादुर जनता वो यहाँ से लीला राम जी को अपना आशीर्वाद देगी, ताकि कैथल का चौमुखी विकास हो सके, हरियाणा का विकास हो सके। आज हजारों की संख्या में हमारे देवतुल्य ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ हनुमान वाटिका में आए और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आशीर्वाद दे करके गए हैं, मैं उनका मीडिया के माध्यम से आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी ब्राह्मण समाज को बधाई देता हूँ। ये मतलब था कि जब जींद का उपचुनाव था वहाँ पर आप जैसे पत्रकार साथियों ने पूछ लिया कि सुरजेवाला जी अगर आप चुनाव जीतते हैं तो कौन सी सीट से रिजाइन देंगे, आप नहीं पता होगा, भाई ने एक मिनट लाइव लगा कैथल वाली छोड़ दूंगा, तो पर जब वो हमें छोड़ने को फिरता है फिर हमारा क्या, उससे हम भी लोगों से अपील करते हैं, भाई अपन सारे मिलकर इसने छोड़ दो, हमारा कोई यहाँ नेता नहीं, हर बरादरी में नेता है, कोई भी दूसरी बरादरी का कोई भी उसकी बिरादरी से भी कोई नेता चुनाव लड़ सकता है। कल शमशेर सिंह सुरजेवाला थे, दो बार रणदीप सुरजेवाला जी बने, तीसरी बार आदित्य सुरजेवाला जी आ गए, एक बार लोगों ने क्या हरा दिया, कैथल की जनता को श्राप देता है,
कैथल के लोग उसके लिए राक्षस हो गए, सुरजेवाला जी देवता है, उनके कुकृत्य लोग देख नहीं रहे। सीडी के माध्यम से भी, और जो लोग कैथल छोड़ करके चले गए, पलायन करके चले गए, प्रवेश बहादुर खुरानिया जैसे, वो लोग भी सारे कैथल के लोग भूले नहीं हैं इन बातों को। धन्यवाद।